सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असी ऑनलाइन लर्निंग दे माध्यम राही 12वीं जमात दा पाठ दूजा पढ़ांगे। पाठ दा नाम है स्ट्रिंग फंक्शन दी वरतों। स्ट्रिंग एक क्रम जा अक्षरां दा संग्रह है, जिवें कि उदाहरण वजो कंप्यूटर 8 अक्षरां दा संग्रह है। स्ट्रिंग नूं रैम दी मेमोरी विच स्टोर कीता जांदा है। हर एक अक्षर नूं एक वखरा मेमोरी एड्रेस दिता जांदा है। स्ट्रिंग नल अक्षर द्वारा खत्म कीती जांदी है। सी भाषा विच स्ट्रिंग दी कोई अपनी डाटा टाइप नहीं हुंदी है, बल्कि यह कैर दे एरे दी वरतों करदा है। हैडर फाइल string.h विच कई स्ट्रिंग फंक्शनां दे प्रोटोटाइप हुंदे हन। स्ट्रिंग दे समूह हेठ लिखे काम कर सकदे हन। स्ट्रिंग नूं पढ़ना अते प्रदर्शित करना, स्ट्रिंग नूं मिलाउणा, एक स्ट्रिंग नूं दूजे विच कापी करना, स्ट्रिंग दी तुलना करनी अते स्ट्रिंग दे एक भाग नूं कढ़ना आदि। एक स्पेशल करैक्टर जिसनूं नल करैक्टर कहा जांदा है, इसनूं \0 नाल प्रदर्शित कीता जांदा है। यह इकल्ला एहो जिहा करैक्टर है जिसदी ASCII वैल्यू 0 हुंदी है। कंप्यूटर दी मेमोरी सारे डाटे नूं न्यूमेरिक फॉर्म विच स्टोर करदी है, यानी अंकां विच स्टोर करदी है। तुहाडे सामने एक एग्जांपल है बच्चियो, कंप्यूटर 8 अक्षरां नूं मिला के बनदा है। हर एक अक्षर दा एक वखरा न्यूमेरिक कोड हुंदा है, जिवें कि C67, O79 अते नल करैक्टर 0। न्यूमेरिक कोड हर एक चिन्ह लई मौजूद हुंदा है, जिसनूं ASCII कोड कहा जांदा है। प्यारे विद्यार्थियों, ASCII कोड दा पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर विच ASCII कोड्स अपर केस अते लोअर केस, यानी आम भाषा विच कहिए ता वड्डी ABC अते छोटी ABC, अक्षर एक एक अल्फाबेट न्यूमेरिक डिजिट्स भाव 0 तो लेके 9 तक अंक, विराम चिन्ह अते होर सिंबल लई कोड 0 तो कोड 255 तक हुंदे हन। इस दा मतलब ए होया बच्चो कि ASCII कोड विच पूरे 256 कोड्स हुंदे हन। डेक्लेरेशन अते इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स दी। सब तो पहला तुसी सिंटैक्स देख रहे हो, कैर जो कि एक डाटा टाइप है। कैर तो बाद स्ट्रिंग दा नाम लिखिया जावेगा। उदाहरण विच my_string लिखिया है, तुसी अपने मन मुताबिक नाम दे सकदे हो। ब्रैकेट्स दे विच स्ट्रिंग दी लंबाई दित्ती गई है। स्ट्रिंग डेक्लेरेशन दा एक उदाहरण देखो। कैर एक डाटा टाइप g स्ट्रिंग दा नाम अते 9 स्ट्रिंग दी लेंथ है, यानी लंबाई है। कैर g ब्रैकेट्स बराबर है, सिंगल कोट्स विच असी स्ट्रिंग दे मूल नूं एंटर करांगे। जिवें कि असी उदाहरण विच देख रहे हां, c नूं g0, o नूं g1 अते नल करैक्टर नूं g8 एलोकेट होया है। कुल 9 बाइट्स स्ट्रिंग g नूं एलोकेट होईयां हन। बच्चों, 1 बाइट्स विच किन्ने बिट्स हुंदे हन? वेरी गुड, 8 बिट्स हुंदे हन।
initializing string variables. Char string underscore 1 अते जिस दी लंबाई 3 है बराबर है double quotes R A M राम. कि ये सही है? नहीं, ये गलत है. जेकर तुसी स्ट्रिंग दी लंबाई 3 टाइप करोगे ता एरर एरे बाउंड ओवरफ्लो आवेगा. कारण एरे दी साइज विच एक जोड़ना जरूरी हुंदा है ताकि नल करैक्टर ले जगह बन सके. इसलिए सही इनिशियलाइजेशन की होवेगी कैर जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 ते लेंथ होवेगी अते लेंथ 4 होवेगी. ਸਾਡੇ सामने एक स्ट्रिंग ਦਾ उदाहरण है ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ string.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ hash include string.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ. char r 7 ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7 ਹੈ. ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7 ਹੋਵੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕੇ. r 6 ਵਿੱਚ नल करैक्टर ले जगह दिती गई है. R 0 P ऐसे तरह R 1 U अते R 5 विच B स्टोर किता गया है. printf जिसनु असी अपनी स्ट्रिंग नु आउटपुट वजो स्क्रीन उत्ते प्रदर्शित करन ले इस फंक्शन दी वर्तो करांगे. डबल कोट्स विच स्ट्रिंग परसेंटेज s स्ट्रिंग ले वर्त्या जांदा है. backslash n new line double quotes close comma r r साड़ी string है. strings दे functions करन तो पहला आओ बच्चियों input अते output statements बारे जान दे हैं. जदों एक मुनलू memory विच store किता जान्दा है इसनू input operation केहा जान्दा है. main input functions जिस दे बारे अजसी पढ़ांगे ओहन scanf get character अते get ch function. इना विच अंतर पढ़दे हां. scanf एक inbuilt library function है. इस function दी वर्तो number character string नो input करवाउण ले कीती जांदी है. एह input नो पढ़न ले वर्त्या जांदा है जदों तक एह एक खाली था या नवी line जा end of file ना बरती जावे. इधर syntax देखो scanf percentage s जेडी double quotes विच लिखा जाएगा comma c यह string दा नाम होगेगा. gets इस function दी वर्तो character array नू input करवान ले कीती जांदी है. character array नू input करवान तो बाद enter की दबानी जरूरी है. इस दा syntax है gets brackets विच C. next है get char function. इस function दी वर्तों single character नू input करवान ले कीती जांदी है. character array नू input करवान तो बाद enter की दबानी जरूरी हुंदी है. प्यारे बच्चों gets function अते get char function विच एक छोटा जिहा अंतर है कि get char function एक single character input करवाएगा अते gets कैरेक्टर एरे नू यानी स्ट्रिंग नू इनपुट करवान दी क्षमता रखदा है. इस दा सिंटैक्स है char डाटा टाइप है. उस दा नाम ch है. ch बराबर है get char फंक्शन. जिस तरह असी इनपुट फंक्शंस पढ़े सी उसी तरह आउटपुट फंक्शंस बारे जानकारी हासिल करते हां. प्रोसेसिंग तो बाद रिजल्ट नू मेमोरी विच स्टोर कीता जांदा है अते यूजर ले डिस्प्ले किता जांदा है. इसनु आउटपुट फंक्शन कहा जांदा है. आउटपुट फंक्शन printf
puts ਅਤੇ put care ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। printf ਇੱਕ inbuilt library function ਹੈ। ਇਸ function ਦੀ ਵਰਤੋਂ number, character, string output ਨੂੰ monitor ਉੱਤੇ print ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ input ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ syntax ਹੈ printf percentage s comma c। printf ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ argument ਨੂੰ double quotes ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। puts ਇਸ function ਦੀ ਵਰਤੋਂ character array ਨੂੰ screen ਉੱਤੇ print ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ function ਇੱਕ ਪੂਰੀ string ਨੂੰ line ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। put character ਇਸ function ਦੀ ਵਰਤੋਂ single character ਨੂੰ screen ਉੱਤੇ print ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ function ਸਿਰਫ ਇੱਕ character ਨੂੰ ਹੀ screen ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। next topic ਹੈ a to i। a ASCII 2 integer, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ASCII 2 integer। ਇਹ C standard library ਦੀ header file stdlib.h ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। a to i ਇੱਕ function ਹੈ ਜੋ string ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। syntax int ਬਰਾਬਰ ਹੈ a to i brackets ਵਿੱਚ string ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ semicolon। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, C programming ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ statement ਦਾ ਅੰਤ semicolon ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। next ਹੈ string operations। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ length, string ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ concatenation, ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ strings ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ compare, ਦੋ strings ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ substring, ਦਿੱਤੀ ਗਈ string ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ string ਕੱਢਣਾ copy, ਇੱਕ string ਨੂੰ ਦੂਜੀ string ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ string length function ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। string length function ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ string ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ null character ਨੂੰ ਯਾਨੀ null ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ example ਹੈ computer ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ null character ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ string length function ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ null character ਨੂੰ count ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ output 8 ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ syntax ਹੈ n ਬਰਾਬਰ ਹੈ strlen bracket ਵਿੱਚ string ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ semicolon। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ string.h ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈਡਰਸ ਫਾਈਲਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਡਰਸ ਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੈਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਮ। ਬ੍ਰੈਕਿਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 10। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੰਬਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਐਂਟਰ ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰ ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। length is equal to string length bracket ਵਿੱਚ name, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ name ਦੀ length ਨੂੰ ਨਾਪੇਗਾ। printf name of characters in the string is %d ਜੋ ਕਿ integer value ਹੈ comma length। curly braces ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੈਟਸ ਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 8 ਕੈਰੇਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ 8 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 8 ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਲ ਅੱਖਰ ਸੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਲ ਅੱਖਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 0 ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਏ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਦਾ ਐਸਕੀ ਕੋਡ 67 ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਸੀ ਦਾ ਐਸਕੀ ਕੋਡ 99 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -32 ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੌਮਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਕੌਮਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਇਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ, ਐਲਸ ਇਫ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 1 ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 2 ਇਨ ਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ, ਐਲਸ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਬੋਥ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰ ਸੇਮ,
एथे उदाहरण विच देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग कंप्यूटर टाइप कीती गई है, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग कंप्यूटर है, क्योंकि दोनों अक्षर ही सेम हैं, इसलिए इसका उत्तर है बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन एक द्वितीय स्ट्रिंग नूं छोटे अक्षरां विच बदलता है, भाव कैपिटल एबीसी नूं स्मॉल एबीसी विच कन्वर्ट करता है। इसका सिंटैक्स देखो, स्ट्रिंग लोअर strlwr ब्रैकेट्स विच स्ट्रिंग दा नाम। इसका प्रोग्राम तुसी सब तो पहला स्ट्रिंग इनपुट करवानी है आते स्ट्रिंग फंक्शन लगाना है स्ट्रिंग लोअर ब्रैकेट विच स्ट्रिंग दा नाम। बच्चों बहुत ही ध्यान देन वाली गल है कि अगर तुसी स्ट्रिंग दा फंक्शन लगांदे हो ता स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल स्ट्रिंग नाम दी हेडर फाइल नू जरूर अपने प्रोग्राम विच शामिल करना है। जेकर तुसी स्ट्रिंग डॉट एच नू अपने प्रोग्राम विच शामिल नहीं करदे ता कंपाइलर एरर दा मैसेज देवेगा। स्ट्रिंग अपर फंक्शन बिल्कुल स्ट्रिंग लोअर दी तरह ही हुंदा है, ए दित्ती हुई स्ट्रिंग नू वट्टे अखरां विच बदलदा है। इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग अपर strupr ब्रैकेट विच स्ट्रिंग। इसका प्रोग्राम भी स्ट्रिंग लोअर वर्गा ही है, बस तुसी स्ट्रिंग अपर फंक्शन दी वर्तों करनी है जिथे तुसी पिछले प्रोग्राम विच स्ट्रिंग लोअर दी वर्तों कीती सी। इसका आउटपुट देखो, एंटर द स्ट्रिंग तुसी कंप्यूटर स्मॉल लेटर्स विच लिखिया है, इस लाइन विच तुसी जेड़ा अक्षर इनपुट कीता गया है ओ प्रिंट होवेगा। रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज कंप्यूटर जो कि कैपिटल लेटर्स विच लिखिया गया है। एथे तुहाडी स्ट्रिंग अपर केस विच कन्वर्ट हो चुकी है। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन एक दित्ती स्ट्रिंग नूं उल्टाउण लई वरत्या जांदा है। उल्टाउण दा भाव प्यारे बच्चों कि पहला अक्षर अखीरला हो जावेगा अते अखीरला अक्षर पहला हो जावेगा। इसका सिंटैक्स है strrev ब्रैकेट विच स्ट्रिंग दा नाम। अंग्रेजी भाषा दे कुछ अक्षर एहो जे हन जिन्हां नूं उल्टाउण तो बाद ओही शब्द बन जांदे हन। इन्हां शब्दां नूं पैलिंड्रोम कहा जांदा है। उदाहरण लई रडार, लेवल, रेफर, सिविक अते मैडम। बच्चों जेकर तुहानूं इस तों अलावा पैलिंड्रोम अक्षर पता हन तां कमेंट बॉक्स विच जरूर दस्यो। इसदा प्रोग्राम देखो, सब तो पहला एक स्ट्रिंग नू इनपुट करवाना है, उस तो बाद उस स्ट्रिंग नू दूजी स्ट्रिंग विच कॉपी करना है। असी इस प्रोग्राम विच बाद विच ए देखांगे कि यह अक्षर पैलिंड्रोम है या नहीं। कॉपी करन तो बाद असी कॉपी कीती स्ट्रिंग नू रिवर्स करांगे। रिवर्स करन तो बाद इफ स्टेटमेंट विच असी ए देखांगे कि स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन स्ट्रिंग एक अते स्ट्रिंग दो दा मूल जीरो है जा नहीं। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन असी पहला ही कीता है। जेकर स्ट्रिंग कंपेयर करन तो बाद स्ट्रिंग एक अते स्ट्रिंग दो फंक्शंस सेम हन, कंपेयर करन तो बाद जेकर स्ट्रिंग एक अते स्ट्रिंग दो फंक्शन सेम हन ता प्रिंट होवेगा वर्ड इज पैलिंड्रोम। जेकर ओ सेम नहीं हन ता प्रिंट होवेगा वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम। आओ बच्चों हुण असीं अभ्यास करदे हां। सब तो पहला बहुपक्षी पसंद दे प्रश्न।
खाली स्ट्रिंग दी लंबाई की हुंदी है? इसका सही उत्तर है जीरो। हर स्ट्रिंग दी समाप्ति डैश नाल होनी चाहिदी है? इसका सही उत्तर है खाली चिन्ह। स्ट्रिंग नू उल्टाउन लई केड़े फंक्शनां दी इस्तेमाल कीता जांदा है? स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग लेंथ, कंपेयर या नन ऑफ दी। क्योंकि सानू पता है स्ट्रिंग नू उल्टाउन लई स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन दी वरतों कीती जांदी है। जेकर असी विचार करिए तां स्ट्रिंग दा एलाने करैक्टर एक्स 10 वजों हुंदा है तां स्ट्रिंग दी लंबाई किन्नी होनी चाहिदी है? इसका सही उत्तर है 9। लिमिलिक्त विच केड़े इनपुट फंक्शन बहु शब्दी स्ट्रिंग लई वरते जांदे हन? इसका सही उत्तर है scanf। इना विचों केड़ा सही है? जेकर स्ट्रिंग कंपेयर S1 अते S2 होवे तो केड़ा मूल वापस हुंदा है? इसका सही उत्तर है यह सारे। जेकर फंक्शन स्ट्रिंग कैट लागू हुंदा है तद कॉनकैटिनेट वापस हो जांदा है? इसका सही उत्तर है स्ट्रिंग 2 एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग 1। फंक्शन स्ट्रिंग कंपेयर ए बी सी डी सेमीकॉलन कैपिटल ए बी सी डी की मुड़ेगा? इसका सही उत्तर है -1। स्ट्रिंग फंक्शन दे नाल चिन्ह स्ट्रिंग दे केड़े निमिलिखत काम नहीं किते जांदे? इसका सही उत्तर है एक स्ट्रिंग नू हटाना। स्ट्रिंग अंकां नू उहनां दे पूर्ण मुल विच बदलन लई निमिलिखत चों केड़ा फंक्शन सही है? इसका सही उत्तर है x बराबर है a2i ब्रैकेट्स विच स्ट्रिंग दा नाम। दसो सही है जां गलत? एक स्ट्रिंग नू चिन्हां दी एरे नाल दर्शाया जा सकता है, यह सही है। एक स्ट्रिंग नू आम एरे दी वाक रचना वांग ही केवल स्ट्रिंग चिन्हां नाल आरंभ कीता जा सकता है, यह सही है। स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग्स विच वर्त्या जांदा है, यह सही है। पर स्पेलिंग्स strcpy असी वर्तांगे। एक स्ट्रिंग नू उल्टाउन लई सानू दो फंक्शंस जिवें स्ट्रिंग कॉपी अते स्ट्रिंग कंपेयर चाहिदे हन, यह गलत है। सानू स्ट्रिंग नू उल्टाउन लई स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन दी लोड पैंदी है। जेकर इको स्ट्रिंग नू असी ए चेक जदों इको स्ट्रिंग नू असी ए चेक करना है कि ओ पैलिंड्रोम है जां नहीं, उस वक्त असी स्ट्रिंग कॉपी अते स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन दी वरतों करांगे। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन दी वरतों लई अपने प्रोग्राम विच हेडर फाइल string.h दी वरतों करदे हन, यह सही है। मैनू उम्मीद है प्यारे बच्चों तुसी इस लेक्चर नू ध्यान नाल सुनिया अते समझा होवेगा। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी है तां इस नू वध तों वध शेयर करो अते लाइक करो अते होर वीडियोज़ देखने लई सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।